जलसागा और उसके अतराफ क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। मीनार पाकिस्तान जलसागा में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे कजाफी बट और आज़ादी फ्लाईओवर हमारा साथ देंगे जावेद फारूकी। कजाफी बट पहले आप बताइएगा, अब चूंकि शाम हो चली है, कारकुनान की आमद का सिलसिला क्या वक्त के साथ साथ तेज होता जा रहा है और हज़ारों की तादाद में नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा था कि कुर्सियाँ उनकी जानिब से लगाई गई हैं, तो क्या ये कुर्सियाँ भर गई हैं और कितनी बड़ी तादाद में आप कारकुनान को यहाँ पर आता देख रहे हैं? वाकई ये जो दावा किया जा रहा था कि हज़ारों अफराद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आएंगे, उसमें हमें अब कुछ सदाकत महसूस हो रही है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान का जो कुर्सियां लगाई गई थी वो तमाम की तमाम जो है वो भर चुकी हैं और कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और स्टेज से जो है इन कारकुनों का खून गरमाने के लिए वक्तन फवक्तन जो है वो तराने भी बजाए जा रहे हैं, इलाकाई रक्स जो है वो भी पेश किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलोचिस्तान, केपीके और पंजाब से भी बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और खसूसी त्यारे के जरिए इस जलसागाह के अंदर मौजूद जो शुरका हैं उनके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो निशावर की जा रही हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी भी की जा रही है और कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मीनार पाकिस्तान चूँकि बहुत ज़्यादा सियासी जलसे होते रहे हैं, इससे पहले माजी के अंदर तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा जलसा किया और आज मुस्लिम लीग नून ये जलसा कर रही है अपने कायद नवाज शरीफ की आमद का। स्टेज लग चुका है, जलसागाह बन चुकी है, कारकुन पहुंच चुके हैं, कारकुन चार्ज क्राउड यहां पे हमें नजर आ रहा है और इंतजार है अब सिर्फ उनको अपने कायद नवाज शरीफ का जो यहां पर आके खिताब करेंगे। और सबसे एक अहम बात जो हमें यहां पर नजर आई कि इस चार्ज क्राउड में जहां पर कौमी परचम मुस्लिम लीग नून का परचम लोग उठाए हुए हैं, वहां पर फलस्तीन के आवाम से इजहार यकजहती के लिए हमें फलस्तीन का परचम भी जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए कश्मीर का परचम भी लोग यहां पर उठा के आए हुए हैं और इन परचमों के जरिए जो है वो कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के साथ जो है वो इजहार यकजहती किया जा रहा है। बड़ा सियासी जलसा है, चार्ज क्राउड है और इंतजार है नवाज शरीफ का। सही है, ठीक है, कजाफी साथ रहेगा। जावेद फारूकी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं आज़ादी फ्लाईओवर से। जावेद साहब, इस फ्लाईओवर की वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही बड़ी तारीखी इसकी हैसियत है और फिर जिस जगह पर ये बना हुआ उसके अतराफ में पाकिस्तान, लाहौर, इतनी तारीखी इमारतें हैं कि अपने कदीम विरसे को समोए हुए हैं ये पूरा इलाका। और आप हमें पहले बता भी रहे थे कि ये गढ़ है नून लीग का, बड़ी इसकी एक हैसियत है, तो इसके अतराफ में क्या सिचुएशन है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दूर दूर से लोग पैदल चलते हुए आते हैं नून लीग के जलसों में शिरकत के लिए, अगर यहाँ पर आपने किसी से बात की हो तो उसके क्या तासुरात हैं? जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आपकी आर्टिकल मुझे बहुत थोड़ी आ रही है लेकिन मैं बात समझ गया। जी जी, देखिए इस वक्त जो है ना, मैं अगर ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून की गल बन गई है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी, दुरुस्त होगी। और मतलब ये कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग हैं, पिछले एक घंटे के अंदर सूरत हाल जो है वो यकसर चेंज हो रही है। इस वक्त ये जो मैं जिस फ्लाई ओवर पर खड़ा हूँ इसके ऊपर ही हज़ारों की तादाद में लोग दूर हैं और दूर दूर तक जो है मुस्लिम लीग नून के वर्कर ही वर्कर नजर आते हैं। आज लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वाकई में उसका रिवाइवल हो गया है या नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के साथ, और गालबा इसके पीछे फैक्टर यही है कि भैया नवाज शरीफ को ही उन्होंने लैंड किया है। और मैं यहाँ पिछले तीन चार घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ, पाँच घंटे से ऑलमोस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि जो जो नवाज शरीफ जो है वो उनका तैयारा, और नवाज शरीफ लाहौर की जाने पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ चल रहे हैं, उसके साथ साथ ही यहाँ पर जलसागाह के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बनता जा रहा है और मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर हर तरफ जो है वो कलर नजर आ रहा है अब क्या सड़कों के ऊपर देखें तो हर तरफ जो है खैर वक्त में बैनरों से जो छाव की हुई है, शेर के निशान के साथ जो है वो बने हुए हैं, हर तरफ जो है वो एक नून लीग का रंग नजर आ रहा है। कारकुन जो है बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर मुस्लिम नून के जो गुजरा कारकुन है वो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नजर आए हैं, वो लोग जिन्होंने मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान होते थे। ठीक है जावेद फारूकी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आने की कोशिश करेंगे। कजाफी बट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी बट, अब माजी में भी हम देखते रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में, ग्रेटर इकबाल पार्क में, तो नून लीग की जानिब से जो ये दावा किया जा रहा था कि भाई इस दफ़ा जो जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में वो सबसे बड़ा जलसा होगा, क्या उनके इस दावे को तकवीत मिल रही है? उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप कारकुनान को देख रहे हैं जितनों का दावा किया जा रहा था?
तहरीक नून का जो दावा है वो हमें किसी हद तक जो है उसमें सदाकत नजर आ रही है, क्योंकि अभी के कायद जो है नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है जलसा का के सामने वाला वो भर चुका है और कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। अब बड़ी तादाद में जो लाहौर से काफले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो नून लीग के टिकट होल्डर्स और साबिक कौमी और सूबाई अराकीन असेंबली है वो अपने अपने काफले लेके मीनार पाकिस्तान की तरफ गामजन है। और हमें ये बात किया था कि तारीख सा जलसा होगा वो बिल्कुल महसूस होता है कि वो बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी जब नवाज शरीफ आएंगे पहुँच जाएंगे और उनका खिताब होगा उस वक्त तक सूरत हाल जो है बिल्कुल वाजे हो चुकी होगी कि ये ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर जो है वो कितनी बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की मौजूद है, क्योंकि लाहौर बुनियादी तौर पर नून लीग का किला समझा जाता है और देखना ये है कि क्या लाहौर से कितनी बड़ी तादाद में कारकुनों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। इस वक्त तक जो है जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि ग्राउंड है और काफले बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इस वक्त स्टेज से जो है वो इलाका इस वक्त पेश किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात जो हमें इस जलसागा के अंदर नजर आई कि चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो रक्स है वो भी पेश किया जा रहा है और लोग ना सिर्फ महसूस हो रहे हैं और बर्षा भी बड़ी अच्छी बात है कि चारों सूबों की नुमाइंदगी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। जावेद साहब की तरफ वापस चलते हैं। जावेद साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा कि जैसे आप बता भी रहे थे कि इर्द गिर्द भी आपके काफी सारे लोग मौजूद है, कि अगर आपने किसी से बात की हो, उनके तासुरात जाने हो, क्या उम्मीदें हैं उन्हें नवाज शरीफ से, या किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्क में तब्दीली लेकर आए, या क्या सोचते हैं वो, तो प्लीज वो भी बताइएगा। देखिए, आज का जो ये क्राउड है, जो लोग आ रहे हैं, इसकी एक अगर इसको एनालाइज किया जाए तो उसमें हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो दरीना वर्कर है, जो आज से 25-30 साल से 40 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ा हुआ था, मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ था, वो फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं। यानी उस एक तो उस एज ग्रुप के लोग बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, दूसरा उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो दरीना मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे वो दोबारा से पुरजोश हुए हैं और वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक और बड़ी दानिस्ता तौर पर एक कोशिश जो है वो सामने नज़र आ रही है कि यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। ये शायद इस चीज़ का जो एक तासुर जो है उसको गलत साबित करने के लिए कि जो यूथ है वो किसी और तरफ देख रही है और मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, इस चीज़ को ख़ास तौर पर एड्रेस किया है आज मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने भी, और उनके जितने भी सेकंड लाइन लीडरशिप है जो इस जलसे के इंतजाम कर रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके पार्टी अहदेदार हैं, वो अपने अपने साथ अपने जुलूस जो लेके आए हैं उसमें यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो बड़े पुरजोश हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यानी उसमें एक तो ये है कि आपको लाहौरी टच भी नज़र आएगा, लाहौरी स्टाइल के जो लड़के हैं, इसके अलावा जो पौश इलाकों के, जैसे हम एक कहते हैं कि आसूदा हाल जो बच्चे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। यानी मैं कहने का मतलब यह है कि वो एक मिथ, वो एक तासुर कंसेप्शन जो है, कंसेप्ट जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है शौरी तौर पर की जा रही है और काफ़ी बड़ी तादाद है। अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्रिज होता है ये आमतौर पर उसी वक्त यहाँ पर लोग होते हैं जब कोई जलसा कामयाब होता है और बड़ा शो होता है, कि यानी आपने जलसा गाह भर ली है और उसके बाद इस ब्रिज के ऊपर लोग आकर इस जलसे को विटनेस करते हैं। इससे पहले पीटीआई के जितने जलसे हुए वो हमने देखा कि यहाँ पर लोग मौजूद होते थे और वहाँ यहाँ से विटनेस करते थे। आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस किस्म के मनाजर देखने में आ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये जो जलसा है ये 30 अक्टूबर 2011 को का जो पीटीआई का जो पावर शो था ये उसको भी सामने रखते हुए एक टारगेट किया गया है और ये आज ये उनका एक टारगेट है कि उसको बीट करेंगे और जो एक तासुर है कि सही दावा उनकी जानिब से ये किया जा रहा है, कितनी हकीकत है ये भी आप हमें बता रहे हैं। जावेद फारूकी और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे थे कज़ाफी बट, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।